आज दिनांक 23 जुलाई 2024 को राजधानी लखनऊ के इंदिरा नगर क्षेत्र स्थित मारुति होम्यो क्लिनिक के डॉक्टर पी के शुक्ला को उनके होम्योपैथी के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए 14 जुलाई 2024 को दुबई के बुर्ज अल अरब में एक विशिष्ट सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर पी के शुक्ला ने अपने व्यक्तित्व में ये भी बताया कि होम्योपैथी के क्षेत्र में सिर्फ खांसी सर्दी जुकाम बुखार के अलावा अन्य बीमारियां स्त्री प्रसूति रोग त्वचा रोग एवं बच्चों में होने वाली अन्य बीमारियों तथा उन असाध्य रोगों का भी उनके क्लिनिक पर उनके द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर शुक्ला ने अपने व्यक्तित्व में ये भी बताया कि गरीब वर्ग के लोगों के लिए समय समय पर उनके द्वारा विशेष कैंप भी आयोजित किए जाते हैं जिसमें कि लोगों को जांचों एवं दवाइयों में विशेष छूट प्रदान की जाती है। डॉक्टर पीके शुक्ला ने भी बताया कि आज के समय में होम्योपैथी की दवा बहुत से रोगों के इलाज में कारगर साबित हो रही है। लखनऊ से संवाददाता हरीश तिवारी की रिपोर्ट। महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्लिनिक हॉस्पिटल से होता है कि हर संस्था हर क्लिनिक कुछ न कुछ असहाय और निस्वार्थ भाव से कुछ गरीब लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ कार्य करती रहती है साल में, क्या आपकी संस्था भी कुछ इस तरीके के कार्य करती है, थोड़ा उनके विषय में बताइए। जी हाँ, एक हम इस क्लिनिक के साथ साथ मारुति जो है नंदन आरो प्राइवेट लिमिटेड के संचालक भी हैं। इस संचालन के तहत हम कुछ अपना फंड ऐसा निकालते हैं जो हमारे पास गरीब लोग आते हैं जो काफ़ी मानवता के साथ ऐसे लोग हैं जो हमारे फाइनेंस को बियर नहीं कर सकते। वैसे मैं बता दूँ कि मैं ज़्यादातर फीस नहीं लेता हूँ ऐसे गरीबों से, इसके बावजूद भी उनको दवाओं के शुल्क में बहुत बड़ी छूट देता हूँ। तो उनकी दवाइयाँ बहुत ही मिनिमम चार्ज पर, मैं समझता हूँ करीब गवर्नमेंट रेट पे ही उसको मिल जाती हैं। उनके लिए एक 50 रुपये का पर्चा बनता है जो सालाना होता है, उस पर कोशिश होती है हमारी कि उन्हें मैक्सिमम दवाइयाँ हम उसी पर्चे पे उपलब्ध करा दें और उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्ज न किया जाए। यदि मेरे कैपेसिटी में आ रहा है तो मैं उसे पूरा करता हूँ। तो सर, एक छोटा सा प्रश्न आपसे इस समय के सीज़न को लेकर के है कि देखिए हर स्थिति में बारिश भी हो रही है, धूप भी है, तो क्या सुझाव थोड़ा आजकल के इस वातावरण को देख करके आप लोगों से कहेंगे कि वो लोग किस तरीके से बचाव रखें और इस मौसम से बचे किस तरह? देखिए, इस समय आपका बारिश का आगमन हो जाता है। बारिश का आगमन का मतलब है कि पहले तो हीट होती है, इसका जैसे बारिश आता है तो हम लोग यहाँ उमस चालू हो जाती है। इसके साथ इतने भी कीड़े मकोड़े हैं वो भी जमीन के अंदर से जो विलुप्त होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। इसके साथ मच्छरों का प्रकोप चालू हो जाता है। फिर जस्ट सीजन चालू हो जाता है इसमें वायरल डिजीज अपने लखनऊ में फैलती हैं, तो हम लोगों का ये कहना होगा कम से कम एक्सपोज कर, पानी ज़्यादा लें और थोड़ा सा नमक का पानी है जैसे उसे कह दीजिए कि ORS जैसा बनाना, या नींबू का पानी है, इस तरह की चीज़ें लें, आप फलों का सेवन करें और स्वस्थ रूप से अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश करें। समय पर नींद लें, समय पर जगें, कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद लेना उनको आवश्यक है। इन चीज़ों के साथ अगर रहते हैं तो आपका स्वास्थ्य काफ़ी ठीक रहेगा। और फुल कपड़े पहनें, फुल कपड़े पहनने से मतलब एक तो आप सनबर्न से बचेंगे प्लस मच्छरों जो काटते हैं उनसे भी बचेंगे। लेटते समय भी या तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें या ऐसे कपड़ों का इस्तेमाल करें जिससे कम से कम आपको मच्छर डायरेक्ट बाइट ना कर सके। सबसे ज़्यादा फैलने वाले रोग इससे मच्छर हो जाने के ही रोग होते हैं, इसमें डेंगू भी आएगा, चिकनगुनिया भी होगी, अभी कुछ दिन के अंदर अंदर स्टार्ट हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमारी राय होगी कि लोग पूरे कपड़े पहनें और अपने भोजन पर अच्छा ध्यान दें। हाँ जी नमस्कार, मैं डॉक्टर पी के शुक्ला, यहाँ इंदिरानगर स्थित मारुतिपैथी क्लिनिक का संचालक हूँ जो विगत 35 वर्षों से हमने यहाँ पर स्थापित कर रखी है। और मैंने इस क्लिनिक को काफ़ी मेहनत के साथ स्टार्ट किया था और जब मैं यहाँ आया था तो होम्योपैथी को लोग बहुत कम जानते थे और लोग हमसे पूछा करते थे कि क्या होम्योपैथिक में जुकाम भी ठीक होती है, बुखार भी ठीक होता है, या कुछ ऐसे रोग ठीक होते हैं जिन्हें आप एक्यूट डिजीज में रख सकते हैं या क्रॉनिक में भी रख सकते हैं। होम्योपैथिक का बहुत ही कम प्रचार था यहाँ पे, मैं 1990 की बात करीब कर रहा हूँ, उसमें यहाँ प्रचार करीब करीब ना के बराबर था। लेकिन मैंने इसमें कुछ प्रयास किया तो आज की स्थिति है कि मैं होम्योपैथिक में एक मैंने स्थान ग्रहण किया है और उस स्थान के लिए आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं। डॉक्टर साहब, 14 जुलाई को हमारे देश के लिए एक बड़ा ही गौरवान्वित पल था जब आपने दुबई के बुर्ज अल अरब में हमारी होम्योपैथी समिट में बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, थोड़ा उसके विषय में भी हम लोगों को बताइए। हाँ जी, एक अचीवमेंट के लिए एक यहाँ बर्नर्ट होम्योपैथी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सर्वे कराया था जिसमें कौन से डॉक्टर ऐसे हैं जिन्होंने अपने पूरी लाइफ में होम्योपैथी के प्रति काम किया और होम्योपैथी को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन जो है पूरा निछावर किया है। उस पर उन्होंने होम्योपैथिक में हिंदुस्तान के 3-4 दिग्गजों में एक स्थान हमको दिया और उसके लिए उन्होंने इंटरनेशनल हनीमेनियन अवार्ड से नवाजा, जो हमारे यहाँ का बहुत प्रतिष्ठित अवार्ड है। और ये हमें क्रिस गेल के हाथों से 14 तारीख को मिला, 14 जुलाई में, जो कि बुर्ज अल अरब नामक होटल मिला जो दुनिया का पहला 7-स्टार होटल है, जो मेरे लिए भी गर्व की बात थी। और मेरे साथ काफ़ी और आइकॉनिक लोग वहाँ पे थे, कुमार विश्वास जैसे लोग जिनको मैं काफ़ी आदर्श मानता हूँ, तो मुझे इसके लिए काफ़ी अच्छा भी महसूस हुआ और मैं मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भविष्य में और अच्छा हूँ प्रतिक्रिया कर सकता हूँ। ये पूछना कुछ मानव सेवा